हेलो फ्रेंड्स आई एम घामी सफी वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर टू पार्ट थ्री आज हम सीखेंगे र के विभिन्न रूप र व्यंजन का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है इसके प्रयोग को समझ लेना आवश्यक है र के चार रूप है र के कितने रूप है चार रूप है फर्स्ट मूल रूप में र शब्दों के प्रारंभ मध्य एवं अंत में आता है फॉर एग्जाम्पल रथ गरम, अगर तो फर्स्ट रथ में आगे आया है र और गरम में र बीच में है और अगर में र पीछे है तो ये फर्स्ट नियम हुआ सेकंड यदि स्वर रहित र रह के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने से पहले व्यंजन के नीचे पदेन जो चिन्ह है रूप में लगता है जैसे क्रम प्रदीप प्रकाश ग्रहण पत्र ब्रह्म ब्रह्म आदि इसे पदेन र कहते हैं और यदि र रह स्वर रहित हो तो अपने से आगे वाले संयुक्त व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है इसे र रेफ कहते हैं जैसे पर्वत धर्म कर्म वर्ष पूर्ण आशीर्वाद स्पर्श आदि यानी हम क्रम ऐसा कुछ लिखते हैं क्रम प्रदीप वो भी र का एक रूप ही है और उसी तरह से आ, पर्वत धर्म तो ऊपर जो रेफ करते हैं वो भी क्या है र का एक रूप है ओके यदि स्वर रहित र रह से पहले स्वर रहित गोलाकार अक्षर ट तो ठ ध हंग आते हैं तो र उसके नीचे रूप में जुड़ता है जैसे ट्रक ड्रम, राष्ट्र आदि इसे भी पडेन कहते हैं ध्यान से र को मानने की भूल न करें यह री मात्रा की जबकि र व्यंजन जैसे कृपा क प्लस री प्लस प प्लस आ ओके यहाँ ये कहा गया है कि जिस तरह से हम ऋषि कृपा लिखते हैं तो वहाँ जो यानी कि जो निशान होता है उसको र मानना नहीं है र का निशान कैसा है पडेन और जिस तरह से पर्वत में है उसी तरह से त्रक में तो वो, वो र के विभिन्न रूप है ओके संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचम पंचम वर्ण जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के पहले और रहित रूप में जुड़ता है तब से उसे अनुष्वा द्वारा लिखा जाता है इसे तालिका में दिए उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी क वर्ण में होता है तो अंक ख में होता पंख रंग कंधा है ना उसी तरह से पंकज पंखा पतंग संग तो वहाँ क्या होता है व्यंजन के पहले और रहित रूप में जुड़ता है तब उसे अनुस द्वारा लिखा जाता है यानी अंक है तो अ है वो क्या है स्वर है तो स्वर के पहले स्वर और क वो भी क्या है स्वर है तो क के पहले है अंग है ना तो उसे अंग लिखेंगे नहीं मगर उसका क्या होगा अनुस्वर हो जाएगा यहाँ अपने ही वर्ग के अर्थात क वर्ग के क ख ग आने पर इनसे पूर्व के वर्ण पर अनुस्वर अम लगाया गया है क वर्ग में इसका उच्चारण और लेखन अंग के रूप में होगा यद्यपि अंक अंक और अंक पुरानी विधि तीनों ही वर्तनी की दृष्टि में शुद्ध है फिर भी अब केवल अनुस्वार चिन्ह ही चिन्ह का ही लेखन होगा तो उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल दिए गए हैं वो देख लेना है आप लोगों को च वर्ग के है मंच पंची मंजन मंझधार उसी तरह से वर्ग के घंटा कंठ झंडा घंडा ओके महत ग्रंथ मंद बंधन तो इसमें सब में क्या है अनुस्वर लगाया गया है वर्ग पंप कुफित कंबल संभव ओके अब हम देखेंगे अनुनाशिक जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनाशिक कहा जाता है इन्हें लिखते समय चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है हंस चाँद ईट ऊट तो सभी स्वरों के अनुनासिक रूप होते हैं क्योंकि अनुनासिकता स्वरों का गुण है अ आ ई ऊ उ, 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 ए, ए, ए ओ औ ओके तो ये क्या है यदि रेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो उच्चारण में, में तो चंद्र बिंदु रहता है पर लेखन में सुविधा के लिए बिंदु ही लगाया जाता है किंतु वह अनुस्वार न होकर अनुनासिक होता है जैसे मैं है नहीं उन्हें वास्तव में ये है मैं है नहीं उन्हें तो वास्तव में उसका रूप तो ऐसा है मगर हम क्या करते हैं चंद्रम बिंदु नहीं लगाते मगर अनुस्वार लगा देते हैं ओके अब देखेंगे अनुस्वार अनुस्वार जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से ही निकलती है उन्हें अनुस्वार द्वारा दर्शाया जाता है अनुस्वार का जहाँ उच्चारण होता है उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लिखा जाता है जैसे हंस सुंदर तो क्या है अनुस्वार है ओके। टंकण और कंप्यूटर आदि यंत्रों के अत्यधिक प्रयोग के कारण सुविधा की दृष्टि में पंचम वर्णों के के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक वर्ग, वर्ग का पंचम वर्ण नासिक व्यंजन है पंचम वर्णों का उच्चारण जब स्वर के बाद हलंत रूप में लिखा जाता है तो उसे अनुस्वर चिन्ह या बिंदु द्वारा लिखा जाता है इसलिए स्वर के बाद बोला जा बोले जाने वाला हलंत नाशिक के वर्ण बिंदु के रूप में लिखे जाने पर अनुस्वर कहलाता है जैसे पंख चंचल झंडा बंदर संभव यह भी जाने अनुस्वर दो वर्णों के मध्य की ध्वनि है इसलिए जिस वर्ण पर ध्वनि का उच्चारण होता है वह उसी वर्ण पर लगाया जाता है सम उपसर्ग से बने संस्कृत शब्दों में अनुस्वार के बाद य तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लिखा जाता है जैसे स्वयं इज इक्वल टू सम प्लस यम तो यहाँ जो उपसर्ग है सम तो उपसर्ग से बने जो संस्कृत शब्द है उसके अनुस्वार के बाद यहाँ जो लिखा है वो आता है तो उसके स्थान पर क्या लिखा जाता है अनुस्वार लिखा जाता है सलग्न इज इक्वल टू सम प्लस लग्न संशय सम प्लस सई ओके संरक्षक सम प्लस रक्षक संवाद इज इक्वल टू सम प्लस, वाद। संसार, सम प्लस अब हम देखेंगे विसर्ग इसका उच्चारण हल्के से अह की भांति होता है लेखन में इसे दो बिंदु लगाकर दर्शाते हैं जैसे अतः पुनः अह है ना तो उच्चारण होता है ना इसका प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है हिंदी में धीरे धीरे विसर्ग का लोप होता जा रहा है जैसे दुख दुख हल चिन्ह जब व्यंजन बिना स्वर के लिखना हो तब हल चिन्ह या हलंत का प्रयोग किया जाता है जैसे हड्डी लट्टू वर्ण विच्छेद किसी शब्द या ध्वनि समूह के सभी वर्णों को अलग अलग स्वर और व्यंजन करना वर्ण विच्छेद है जैसे गाड़ी होती है तो हम उसके स्पेयर पार्ट सब अलग अलग कर देते हैं ना उसी तरह से एक शब्द होता है तो उसके ध्वनि का जो समूह होता है उसको हमें क्या करता है क्या करना है अलग अलग करना है ओके तो यहाँ देखना रमेश इज इक्वल टू प्लस अ प्लस म प्लस ए प्लस स प्लस अ तो यहाँ हमने क्या किया ध्वनि को अलग अलग किया है जो शब्द है उसके स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके हमें उसे ध्वनि विच्छेद करना है ओके तो जहाँ स्वर आएगा वहाँ हलंत नहीं लगेगा और व्यंजन आएगा तो वहाँ उसके नीचे क्या होगा हलंत लगेगा ओके तो यहाँ र और म और स के नीचे हलंत किया है क्योंकि वो व्यंजन है उत, उसी तरह से कंगा क प्लस अ प्लस अंग प्लस घ प्लस आ पुस्तक इज इक्वल टू प प्लस ऊ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ पुस्तक है ना विद्यालय अ प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ विद्यालय तो इस तरह से हमें वर्ण विच्छेद करना है ओके तो बच्चों यहाँ हमारा वर्ण विच्छेद ये चैप्टर ख़त्म होता है आपको क्या करना है ये सारा होमवर्क आपको क्या करना है आपकी हिंदी की ग्रामर की टेक्स्ट बुक में लिखना है ओके हिंदी की नोट में नहीं लिखना है क्योंकि आप सबके पास बुक्स है होमवर्क की पीडीएफ डी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो